hello students today we will discuss the next part of and the last part of the chapter conjunctions that is part three. In previous one we have discussed type conjunctions types of conjunctions and some uh, some conjunction that uh, some conjunction and their uses in both parts. Now we will discuss some more conjunctions,

इट इज़ यूज टू मीन इसका मतलब होता है कि अर्थ हो सकता है अब इसके बहुत सारे अर्थ होंगे जिसमें इस चार पोज चार पॉइंट्स लिए हैं मैंने कि इफ़ को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट वन ऑन द कंडीशन और सपोजिशन दैट ठीक है एज मतलब अगर किसी कोई चीज़ कंडीशन रखी जा रही हो या कोई किसी चीज़ का सपोजिशन किया जा रहा हो तब हम इफ़ का यूज़ कर सकते हैं अगर किसी चीज़ का कंडीशन रखा जा रहा हो या सपोजिशन हो रहा हो तो हम वहाँ पर इफ का यूज़ करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ ही इज़ देयर आई सेल सी देन अगर वो वहाँ है तो मैं उसे मिलने जाऊंगा अगर वो यहाँ आता है ठीक है इफ़ ही इज देयर मतलब अगर वो वहाँ पे आएगा तो आई विल सी आई सेल सी देन ठीक है मैं उसे देखने जाऊंगा ठीक है तब तो मैं उसे देखने जाऊंगा सेकेंड इफ़ दैट इज सो आई एम कंटेंट अगर ऐसा है अगर ऐसा हुआ ठीक है ऐसा हुआ इफ़ दैट इज़ सो अगर ऐसा हुआ आई एम कंटेंट मैं सहमत हूँ मैं संतुष्ट हो जाऊंगा उसके ठीक है तो मैं संतुष्ट हूँ अगर ऐसा है तो मैं संतुष्ट हूँ ठीक है अगर कोई मान लो सपोज़ कहा गया कि आ, जैसे मैंने उसे चार सौ रुपये दे दिए हैं तो तुमने कहा कि मतलब मैंने तुम्हारे भाई को चार सौ रुपये दे दिए हैं तो मैंने उसे कहा कि किसी एक पर्सन ने कहा कि मैंने तुम्हारे भाई को चार सौ रुपये दे दिए हैं ठीक है तो मैंने उसे कहा कि अगर ऐसा है तो मैं संतुष्ट हूँ कि चलो ठीक है दे दिया अच्छी बात है ठीक नेक्स्ट एडमिटिंग दैट एज ठीक है तो एडमिट करना मतलब इफ़ आई एम ब्लंड मतलब एडमिट करना मतलब अपने आप को मान मतलब किसी चीज़ को मान लेना एडमिट करना मतलब किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना स्वीकार कर लेना तो जब स्वीकार करने की बात हो जाती है तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं जैसे इफ़ आई एम ब्लंड आई एम एटलीस्ट ऑनेस्ट यदि मैं ब्लंट हूँ फिर भी मैं क्या है आई एम एटलीस्ट ऑनेस्ट लेकिन कम से कम मैं ऑनेस्ट हूँ मैं ब्लंट हूँ चलो ठीक है अच्छी बात है लेकिन मैं ऑनेस्ट हूँ ठीक है इफ आई एम पुअर मैं मानता हूँ कि मैं गरीब हूँ लेकिन ये टाइ एम ऑनेस्ट फिर भी मैं क्या हूँ ईमानदार हूँ मैं मानता हूँ कि चलो भाई मैं मानता हूँ कि मैं गरीब हूँ लेकिन क्या है मैं ईमानदार हूँ लेकिन मैं फिर भी मैं ईमानदार हूँ तो यहाँ पर एडमिट किया जा रहा है बात को कि हाँ मैं हाँ मैं मानता हूँ मैं गरीब हूँ ऐसे करते हैं ना जब कि हाँ मैं मानता हूँ मैं गरीब हूँ बट फिर भी मैं क्या हूँ ईमानदार हूँ पहले वाले सेंटेंस में मैं मानता हूँ कि मैं ब्लंट हूँ ठीक है मतलब दिमाग से थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ब्लंट हूँ कहने का मतलब कि चालाक टाइप का चालाक टाइप का व्यक्ति हूँ लेकिन मैं ईमानदार हूँ ठीक है नेक्स्ट वेदर एज़ वेदर के सेंस में जब मतलब वेदर के सेंस में यूज़ करने का वेदर मतलब वो मौसम वाला नहीं वेदर मतलब ऑप्शन वाला ठीक है तो आई आग सेम इफ़ ही वुड हेल्प मी मैंने उससे पूछा यदि वो मेरी क्या वो मेरी मदद करेगा इफ़ 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 ही वुड हेल्प मी यदि क्या वो मेरी मदद करेगा तो यहाँ पर वेदर ही वुड हेल्प मी कर सकते थे वेदर यूज़ कर सकते थे लेकिन वेदर के रिप्लेसमेंट में भी हम इफ का यूज़ कर सकते हैं इसलिए यहाँ पर इफ़ का यूज़ बताया जा रहा है ठीक है वेदर यहाँ यूज़ किया जा सकता है और यहाँ पर मतलब ये ऐसे सेंटेंसेस में वेदर का यूज़ करते हैं या इफ़ का यूज़ करते हैं ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम पूछ रहे हैं सामने वाले की ओपिनियन कि वो करना चाहता है कि नहीं अगर वो करना चाहता तो करना final, ठीक है नहीं करना चाहता दैट्स फाइनल ठीक है इट्स ओके कि नहीं करना चाहता तो इट्स ओके okay, अगर करना चाहता तो भी बताएँ ठीक है तो आई आस्ट यू इफ़ यू वुड हेल्प मी क्या वो मेरी मदद करेगा ठीक है आई वॉन्डर इफ़ ही विल कम मैं मतलब मैं थोड़ा परेशान हूँ मैं इस बात से हैरान हूँ मैं इस बात से हैरान हैरानूँ कि वह आने वाला है क्या क्या वह आएगा मैं इस बात से हैरान हूँ कि क्या वह आएगा ठीक है इसमें क्या उसके आने ना आने का दोनों का मतलब इस सेंस में है कि आई वॉन्डर इफ़ ही विल कम मतलब इसमें है कि वो आएगा या नहीं आएगा सस्पेंसन है ठीक है सस्पेंस में है आदमी ये कहने का मतलब जब ऐसा भी सेंटेंस यूज़ किया जाए आई वॉन्डर इफ़ ही विल कम कि इसमें आदमी सस्पेंस में है कि वो आएगा या नहीं आएगा ऐसे मैंने कहा कि ठीक है तुम पार्टी में राम को इन्वाइट कर लो तो मैंने तुमने कहा कि आई वॉन्ट और इफ ही विल कम मैं मैं हैरान हूँ कि वो आएगा या नहीं आएगा अब कैसे ठीक है इनवाइट कर देता हूँ पर पता नहीं वो आएगा या नहीं आएगा तो इस सेंस में अगर हमें यूज़ करना होता है कहना हो तो हम यहाँ पे ये सेंटेंस यूज़ करेंगे आई वॉन्ट और इफ़ ही विल कम ठीक है नेक्स्ट वेनेवर एज़ वेनेवर की जगह पर वेवर की जगह पे यूज़ कर सकते हैं वैसे वेनवर के सेंस में यूज़ कर सकते हैं जैसे इफ़ आई फील एनी डाउट आई इंक्वायर तो यहाँ पर इफ़ की जगह पर वेनवर जनरली यूज़ होता है तो जनरली हम बोलते हैं वेनवर आई फील एनी डाउट आई इंक्वायर जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं पूछ लेता हूँ ठीक है तो यहाँ पर उसी की जगह पे इफ़ का यूज़ कर सकते हैं वेनेवर की जगह पे जैसे इफ़ आई फील एनी डाउट आई इंक्वायर अगेम यदि मुझे कोई डाउट होता है तो मैं पूछ लेता हूँ ठीक है तो ये कुछ इफ़ के यूजेस थे नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन एंड देट इज़ दैट दैट का यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ यूज़ फर्स्ट वन टू एक्सप्रेस अ रीज़न और कॉज कोई रीज़न या कॉज बताने के लिए यूज़ किया जाता है एंड इज इक्वेलेंट टू बिकॉज फॉर दैट इन दैट ठीक है इनके इनके इसके इक्वेलेंट होता है ठीक है बिकॉज के फॉर के दैट के इन दैट के इक्वेलेंट होता है ठीक है अब इसके यूजेस कैसे किए जाते हैं देखिए नॉट दैट आई लव सीजर लेस बट दैट आई लव टू मोर ठीक है नॉट दैट आई लव सीजर लेस बट दैट आई लव मोर मतलब मैं केवल सीज़र को सीजर को uh, मतलब सीज़र को मैं कम प्यार नहीं करता हूँ कहने का मतलब है यहाँ पर मैं सीज़र को कम प्यार नहीं करता हूं। लेकिन मैं रूम को ज़्यादा प्यार करता हूँ ठीक है मुझे सीज़र प्यारी है बट मुझे रूम उससे ज़्यादा प्यारा है ठीक है ही वॉज अनॉयड दैट ही वॉज कंट्राडिक्टेड ठीक है वह नाराज़ हो गया नाराज़ हो गया कि उसका कोई उसका कंट्राडिक्ट कर दिया गया मतलब उसकी बातों को काट दिया गया उसके बाद को जस्ट अपोजिट बात काम कर दिया गया ऐसे मैंने कहा कि तुमको वहाँ बैठना है ठीक है और तुम वहाँ नहीं बैठे उसके बदले तुम जा करके मैंने कहा तुमको राम के साथ नहीं बैठना है मैंने तुमसे कहा कि तुम राम के साथ नहीं बैठोगे लेकिन तुम जा करके के राम के साथ ही बैठ गए तो मैं तुमसे नाराज़ हो गया ठीक है तो आई एम अनॉयड दैट आई वॉस कंट्राडिक्ट कि मुझे कंट्राडिक्ट कर दिया गया मेरी बात को काट दिया गया ठीक है नेक्स्ट टू एक्सप्रेस अ कंसिक्वेंस या रिजल्ट या इफेक्ट मतलब किसी कंसिक्वेंस रिजल्ट को में कंसिक्वेंसेंस होता है रिजल्ट एक तरह से परिणाम होता है दोनों का मतलब सेम होता है रिजल्ट और इफेक्ट ठीक है तो तीनों का मतलब एक ही जैसा है बस दोनों तीनों को डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हैं ठीक है मीनिंग सेम है बट डिफरेंट डिफरेंट यूज हैं ठीक है टू एक्सप्रेस अ कंसिक्वेंस रिजल्ट और इफेक्ट तो आई एम सो टायर्ड दैट आई कैनॉट गो ऑन मैं इतना थक गया हूँ आई एम सो टायर्ड आई एम सो टायर्ड जब इस तरह लिखा जाए सेंटेंस कि आई एम सो टायर्यड दैट आई कैन नॉट गो ऑन आई एम सो लेजी दैट आई कैन नॉट डू दिस ठीक है सो इस टाइप के सेंटेंसिस मतलब होता है ये निगेटिव सेंटेंस है कि मैं इतना थक गया हूँ कि अब मैं चल नहीं सकता ठीक है ही ब्लेड सो प्रफ्यूटी दैट ही डायट वही इतना ज़्यादा उसका ब्लीडिंग हुई इसकी ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हुई कि वो वो मतलब वो मर गया ही सो टायर्ड दैट ही कोड स्कॉली स्टैंड वह इतना सो टायर्ड जैसे समथिंग इस टाइप का जब भी आएगा सो दैट सो दैट करके आएगा सो और समथिंग एडजेक्टिव फिर देन समथिंग uh, आएगा तो अदर क्लाजेज आएंगे तो क्या होगा कि ये नेगेटिव सेंस देगा जैसे ही सो टायर्ड वो इतना थका थक गया है दैट ही कुड स्कार्सली स्टैंड कि वो शायद ही खड़ा हो सकता है मतलब वो खड़ा होने लायक like, नहीं रह गया इतना थक गया है तो ये थे दैट के यूजेस इसी सेंस में हम दैट के यूजेस ऐसे करते हैं थोड़े बहुत ठीक है नेक्स्ट है देन कुछ जो इम्पोर्टेंस है उन्हीं उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ मैं जो इंपॉर्टेंट हैं जो आपको बताना जरूरी है अदरवाइज आप बुक्स के चैप्टर्स uh, के थॉरली पढ़ेंगे उसमें आपको ज़्यादा मतलब थोड़े और आइडियाज़ मिलेंगे बट जो इंपॉर्टेंट हैं वो चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ ठीक है नेक्स्ट दैन दैन का एज ए कंजंक्संस यूज़ किया जाता है तो जिसमें ये एडजेक्टिव या एडवर्स को फॉलो करते हैं कंपेरेटिव डिग्री में मतलब एक तरह से समझिए कंपेटिव डिग्री में उनको कंपेरिजन uh, करने के लिए जैसे आपको पता होगा कंपेरेटिव uh, डिग्री में एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज़ करते समय जैसे विजडम इज़ बेटर देन रूबीज़ बुद्धिमानी ठीक है बुद्धिमानी जो ज्ञान है ठीक है इज बेटर देन रूबीज आर मतलब रूबीज़ के बाद आर होना चाहिए ठीक है तो आर लिखते हैं नहीं भी लिखते हैं तो जितना रूबीज मतलब रूबीज से ज़्यादा विजडम ज़्यादा बेटर अच्छी अच्छी अच्छ, अच्छा है ठीक है मतलब आपको पैसे रखे जाए आप बोला जाए ज्ञान चाहिए या पैसा चाहिए तो आप क्या करिएगा आप ज्ञान चूज करिएगा पैसा नहीं ठीक है क्योंकि ज्ञान रहेगा तो आप पैसे कमा लेंगे ठीक है पैसे कमाने का तरीका जान देंगे लेकिन अगर आपका ज्ञान नहीं होगा पैसे आपको करोड़ों मिलना है तो आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और आप फिर से उस पैसे को खो देंगे ठीक है तो ज्ञान ज़्यादा बेटर है रूबी से ठीक है आई सी यू अफ टेनर देन आई सी हिम ठीक है आई सी यू अफिनर दैट आई देन आई सी हिम मैं तुम्हें मतलब उससे ज़्यादा देखता हूँ मैं मतलब प्रायः कहने का कहने का मतलब है जितना मैं उससे नहीं देखता हूँ उससे ज़्यादा मैं तुम्हें देखता हूँ आई सी यू मैं तुम्हें देखता हूँ हाफ एन आर दैन आई सी यू उससे उ, उ, उतना उतना नहीं मतलब उससे ज़्यादा जितना मैं उ, उसे देखता हूँ मतलब कहने का मतलब है कि मैं तुम्हें रोज़ मिलता हूँ बजाय उस उतने से जितना मैं उससे मिलता हूँ ठीक है कहने का मतलब मैं तुमसे ज़्यादा मिलता हूँ ठीक या तुम्हें ज़्यादा देखता हूँ उसके बदले कहने का सेंस ये था नेक्स्ट आई वुड रादर सफ़र देन इंजॉय प्लेजर ऑफ सीन्स मैं कहने का मतलब है कि आई वुड रादर सफ़र देखिए यहाँ दैन का यूज़ देखिए अभी रादर का मत देखिए रादर को यहाँ पे कंसिडर मत करिएगा रादर भी हमारा यूज़ होता है लेकिन अभी रादर को कन्जैसन कंज, कंज, की तरह मत देखिए रादर को नेगलेक्ट कीजिए दैन को समझिए आई वुड रादर सफ़र दैन इन्जॉय प्लेजर ऑफ सीस मैं सफ़र करना पसंद करूँगा आई वुड रादर सफ़र मतलब यहाँ पर पसंद करने की बात हो मैं सफ़र करना पसंद करूँगा परेशान होना पसंद करूँगा देन इन्जॉय प्लेजर्स ऑफ सीन पाप को इन्जॉय पाप की जो खुशी है उसको इंजॉय करने से के बदले ठीक है उसको इंजॉय करने के बदले मैं क्या करूँगा मैं उसे आ, मतलब सफ़र करना पसंद करूँगा नेक्स्ट अब कुछ आ, अब हर चीज़ को एक एक थोरली डिस्कस कर पाना इजी नहीं था इसलिए क्या है कि हम अब एग्जांपल्स के थ्रू केवल एग्जांपल देखेंगे और कैसे उसको यूज़ किया जा रहा है उसको समझेंगे एक बाई वन बाई वन ठीक है देखिए फर्स्ट वन नॉट ओनली दीपक बट आल्सो मोती कैन कैंडूट अब इसमें हम नॉट ओनली बट आल्सो को समझेंगे और करेक्ट फॉर्मिंग ऑफ सब्जेक्ट समझेंगे कि यहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं देखिए नॉट ओनली दीपक बट आल्सो मोती कैन कैंडूट देखिए नॉट ओनली जस्ट बाद नाउन यूज हुआ है तो याद रखिए नॉट ओनली के बाद जैसा यूज़ हुआ होगा जो यूज होगा नाउन यूज हुआ होगा तो नाउन बटालसों के बाद भी नॉन यूज़ होगा और नॉट ओनली के बाद वर्ब यूज़ हुआ है तो बटालसो के बाद जस्ट बाद तुरंत वर्ब यूज़ होना चाहिए ठीक है याद रखिएगा इसको कि नॉट ओनली के बाद अगर नॉन यूज़ हुआ है तो बटालसो के बाद भी नॉन यूज़ होगा और नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब यूज़ हुआ है तो बटालसो के बाद भी तुरंत बाद वर्ब यूज़ होगा नॉट ओनली के बाद अगर एडजेक्टिव यूज़ हुआ है तो बटालसो के तुरंत बाद एडजेक्टिव यूज़ होना चाहिए ये हमेशा याद रखिए मतलब नॉट ओनली के बाद जो भी कंटेंट जो भी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा वही बटालसो के बाद भी वही पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए ठीक है प्रोनाउन का तो प्रोनाउन समथिंग समझ में आएगा तो देखिए फर्स्ट वन नॉट ओनली दीपक बट आल्सो मोती कैन डू देखिए पर देखिए नॉट ओनली के बाद दीपक है नाउन बट आल्सो कैन बट आल्सो मोती देखिए इसी बट आल्सो बटालसो तुरंत नाउन आया मोती कैन डू इट ना केवल दीपक इसे कर सकता है बल्कि मोती भी इसे कर सकता है तो इसमें इसका सेंस है केवल वही नहीं बल्कि ये भी केवल वही नहीं बल्कि ये भी तो ऐसा समथिंग होता है ठीक है ही विल नॉट ओनली गो वह केवल जाएगा ही नहीं बट आल्सो स्टे देयर वहाँ रुकेगा भी ठीक है वह केवल वहाँ जाएगा ही नहीं बट वहाँ रुकेगा भी ठीक है तो यहाँ पर नॉट ओनली देखिए नॉट ओनली जस्ट क्या आया वर बायो इसलिए बट आ उसके बाद स्टे स्टे मीनस रुकना ठीक है ये दोनों क्या है वर भी हैं तो स्टे देयर नॉट ओनली गो देयर बट गो बट आल्सो स्टे देयर ठीक है तो ही विल नॉट गो ओनली गो बट आल्सो स्टे देयर वहाँ केवल जाएगा ही नहीं वहाँ रुकेगा भी तो इसके आई होप इसको इसका यूज आपको समझ में आएगा देखिए जो एरर आता है ना वो इसी टाइप का होता है कि ये नॉट ओनली दे देगा कि दीप नॉट ओनली दीपक बट आल्स बट नॉट ओनली दीपक कैन गो बट आल्सो मोती कैन गो ऐसे करके देगा तो ये एरर हो जाता है ठीक है आपको क्या करना है बस आपको नॉट ओनली के बाद नाउन को या वर्ब को या एडजेक्टिव को या किसी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को फॉलो करेंगे और बट आल्सो के बाद तुरंत बाद उसका उसी स्पीच का फॉलो कर देंगे ठीक है उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को फॉलो करेंगे नेक्स्ट ही विल ईदर डू द वर्क और रिटर्न द मनी ही विल ईदर डू द वर्क और रिटर्न द मनी वो या तो काम करेगा या पैसे वापस करेगा अब इधर और का समझिए इधर और का यू समझिए ही विल इधर डू द वर्क और रिटर्न द मनी वो या तो काम करेगा या पैसे वापस कर देगा ठीक है तो यहाँ देखिए इधर के बाद भी क्या है सेम वही सेम वही चीज़ देखिए डू द वर्क इधर डू द वर्क तो यहाँ पर डू द वर्क आया है ठीक है तो डू मतलब वर्ब आ गया द वर्क और रिटर्न रिटर्न वर्ब आ गया द मनी ठीक है तो एक वर्ब और फ्रेज वर्ब और नाउन वर्ब और नाउन दोनों फॉलो हो रहे हैं ठीक है ही विल इधर वो या तो काम करेगा या वापस कर देगा पैसे ही नॉट ओनली गोज़ टू माई हाउस बट आल्सो स्टे देयर अब इसको देखिए ही नॉट ही नॉट ओनली गोज टू माई हाउस वो केवल मेरे घर गया ही नहीं बल्कि मेरे घर रुका भी बट आल्सो स्टे देयर नॉट ओनली गोज़ जब वो केवल मेरे घर जाता ही नहीं बल्कि वहाँ स्टे भी करता है स्टे देयर वहाँ रुकता भी है ही इज़ गोइंग टू ओपन नॉट ओनली अब यहाँ देखो नॉट ओनली के यूज एक अदर ही इज़ गोइंग टू ओपन वह खोलने जा रहा है नॉट ओनली हॉस्पिटल केवल एक हॉस्पिटल नहीं बट आल्सो एन इन और एक इन भी खोलने जा रहा है इन मतलब रहने की जगह ठीक है रहने की जो सर होता है जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल के पास में आ, रहने के लिए आ, मतलब आ, क्या रैन बसेरा टाइप के जो होते हैं उनका ठीक है वही नेक्स्ट तो आपको नॉट ओनली बट आल्सो और इधर और का यूज़ हो गया तो इधर और का भी यूज़ ऐसे ही करते हैं जैसे नॉट ओनली का यूज कहते हैं ही विल नीदर डू द वर्क और रिटर्न द मनी वो या तो पैसे काम करेगा का या वापस वापस कर देगा तो कंडीशनल है ठीक है कंडीशनल होते हैं जैसे नेक्स्ट आल दो ही इज़ रिच येट ही इज़ ऑनेस्ट तो आल्दू का यूज़ समझेंगे आल् के साथ हमेशा येट यूज़ होता है याद रखिएगा बट आपको कभी कभी सेंटेंसेस में एरर देना होगा तो एरर के जगह पे बट बट का यूज़ कर देगा या इफ़ का यूज़ कर देगा ठीक है दैन का यूज़ कर सकता है ठीक है तो so, आपको याद रखना है कि आल्दो के साथ हमेशा सा येट का यूज़ होता है आल्वो के साथ हमेशा सा येट का यूज़ होता है ये माइंड में सेट कर लीजिए आल दो ही इज़ रिच येट ही इज़ डिसऑनेस्ट ऑनेस्ट यद्यप कि वो आ, आ, अमीर है फिर भी वो क्या है फिर भी वो क्या है डिसऑनेस्ट है ईमानदार इम, नहीं है ठीक है बेईमान है ठीक है तो आल दो हीज़ रीच अब यहाँ पर आपको देगा आल् हीज रीच बट ही इज ऑनेस्ट ऐसे दे देगा दे ये ये इनकरेक्ट हो जाएगा ठीक है ये क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए बोथ राम एंड श्याम मे कम टूडे बोथ और एंड का यूज़ करेंगे बोध एंड ठीक है बोध के साथ हमेशा एंड का यूज़ होता है याद रखिएगा कभी कभी बोध के साथ और दे देगा दे बोध के साथ और दे देगा दे ठीक है तो आप याद रखिएगा बोध के साथ और नहीं बोध के साथ एंड यूज होगा बोथ राम और श्याम बोल देगा तो वो गलत हो जाएगा आपको क्या बोलूँगा बोथ राम एंड श्याम में कम टूडे और यहाँ देखिए बोथ के साथ बोथ और एंड के साथ क्या होता है हमेशा प्लुरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है ठीक सब है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी यह समझते चलिए कि बोध एंड के साथ हमेशा प्लुरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा जैसे बोध राम एंड श्याम तो प्लुरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट हो गए इसलिए प्लुरल फॉर्म ऑफ़ वर्ब लगेगा नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं फाइव आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट अब यहाँ वेदर का यूज़ समझेंगे मुझे नहीं पता वो आएगा या नहीं आएगा आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट मुझे नहीं पता कि वो आएगा या नहीं आएगा तो वेदर का सेंस क्या होगा कि ऐसी चीज़ें जहाँ पर सपोजिशन हो कि होने या ना होने दोनों के कंडीशन बनते हों तब तो हम वेदर का यूज़ करते हैं आपको बताया मैंने वो इसके पहले भी ठीक है कि वेदर का यूज़ कब करते हैं वेदर की जगह पे इफ़ का यूज़ कर रहे थे ना तो वहाँ पे क्या था आई वॉन्डर इफ़ ही विल कम और नॉट इफ़ ही विल इफ़ ही कम इफ़ ही विल कम ठीक है मुझे मैं परेशान मतलब मैं सोच के हैरान हूँ कि वो आएगा या नहीं आएगा ठीक है तो दोनों के इसी सेंस में होता है कि होने या ना होने की दोनों कंडीशन अगर ऐसा हो तो हम क्या करते हैं वेदर का यूज़ करते हैं आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट नेक्स्ट राम इज़ नॉट सो गुड एज यू अब यहाँ देखिए राम उतना अच्छा नहीं जितना कि तुम ये अफर्मेटिव सेंटेंस है जब सो एज का यूज़ किया जाए सो एज़ का यूज़ किया जाए तो यह क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो राम अच्छा है बट उतना अच्छा नहीं जितना तुम हो ठीक है ये नहीं कहा जा रहा कि राम अच्छा नहीं है ठीक है लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना तुम हो ठीक तो सो so एज का यूज़ ऐसे करते हैं नेक्स्ट राम इज़ नॉट एज गुड एज यू राम उतना अच्छा नहीं है जितने तुम हो ठीक है यहाँ कहने का मतलब है कि अब यहाँ निगेटिविटी आ गई राम को अच्छा नहीं ये नहीं कहा जा रहा कि राम अच्छा है ये कहा जा रहा है कि राम उतना अच्छा नहीं है जितने तुम हो ठीक है समझा गया नेक्स्ट एट हार्डली हैड ही गॉन आउट ऑफ द ऑफिस अब हार्डली का यूज़ करेंगे हार्डली का यूज़ समझिए देखिए हार्डली के तुरंत बाद हार्डली स्टार्टिंग यूज़ होता है हार्डली सेंटेंस की स्टार्टिंग यूज़ होता है ठीक है कंजंक्शन की तरह एज ए कंजंक्शन हार्डली सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होगा और यहाँ क्या हो जाएगा हार्डली के तुरंत बाद हमारा वर्ब आता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आता है ठीक है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वो सब्जेक्ट आएगा हार्डली के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा ठीक है जैसे जिस भी टेंस में जैसे वो जनरली पास्ट में यूज होता है तो हार्डली हैड ही गॉन आउट हार्डली हैड ही गॉन आउट तो हार्डली के तुरंत बाद पास्ट टेंस वाली यूज होते हैं तो हार्डली हैड ही गॉन आउट ठीक है तो हेड देखिए क्या हार्डली हेड आ गया आपको जनरली क्या दे देगा हार्डली ही हैड गॉन आउट दे देगा हार्डली ही हैड गॉन आउट दे देगा ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा आपको क्या करना है ही के पहले हेड को लगा लेना है हेल्पिंग वर्क को ठीक है तो हार्डली हैड ही गॉन आउट ऑफ द ऑफिस वेन द टेलीफोन रेंग अभी वो घर से बाहर निकला ही नहीं था कि घंटी टेलीफोन की घंटी बज गई ठीक है टेलीफोन की घंटी और हार्डली के साथ वेन लगता है याद रखिएगा हार्डली के साथ वेन लगता है स्कार्सली के साथ वेन लगता है स्कार्सली भी होता है ऐसे यूज हो जाता है स्कार्सली भी ठीक है स्कार्सली हैड ही स्कार्सली ही हैड स्लिप्टी स्कार्सली ही हैड मूव ही वैन ही स्लिप्ट स्ार्सली ही हैड मूव अभी वो आगे बढ़ा ही नहीं था कि वो स्लिप कर गया स्कार्सली अभी वही कहने का ठीक है तो हार्डली या स्कॉसली दोनों का यूज़ ऐसे करते हैं ठीक है और उनके साथ वेन का यूज़ होता है याद रखिए वैन यहाँ लिखा ना वन द टेलीफोन नेम तो वेन यूज़ करेंगे आप जनरली आपको दैन लिख के दे देगा दैन इनकरेक्ट होता है वेन यूज़ करते हैं याद रखिएगा नेक्स्ट आई वुड रादर हैव द बैट दैन द बॉल अब यह ऑप्शन आ गया अब यहाँ पर रादर का यूज़ समझेंगे ठीक है राधर के साथ हमेशा दैन आता है याद रखिएगा राधर के साथ हमेशा दैन आता है वहाँ पे दैन समझे तो यहाँ पर राधर को समझेंगे ठीक है राधर के साथ हमेशा दैन आता है इसको ये कम कॉम्बिनेशन होता है इनको याद रखते जाइए बट के साथ एंड का यूज़ होता है सॉरी बोथ के साथ एंड का यूज़ होता है हार्डली स्कार्सली के साथ वैन का यूज़ होता है राधर के साथ दैन का यूज़ होता है नॉट सु नो सूनर के साथ दैन यूज़ होता है ठीक है नॉट ओनली के साथ बट आल्सो यूज़ होता है ईदर के साथ और यूज़ होता है ठीक है आल्दों के साथ येट यूज़ होता है तो ये सब हमारे कम कम्बिनेशन हैं जिनको आपको याद करने हैं ठीक है तो ये क्या कह रहा है इस ये सेंटेंस का अब यूज़ करेंगे आई वुड रादर हैव द बैट देन द बॉल जब हमारे पास दो ऑप्शन रखे जाएंगे अब पूछा जाएगा कि आप इसमें से क्या लेना पसंद करेंगे तो आप बोलेंगे आई वुड रादर हैव द बैट देन द बॉल मैं बैट लेना पसंद हूँगा बजाय बॉल के जैसे ये आपको सामने कॉफी या चाय रखा जाए तो क्या पूछा जाता है वुड यू लाइक टू टी और कॉफी ठीक है वुड यू लाइक टू टी और कॉफ़ी तो आप आई वुड रादर आई वुड रादर ठीक है तो आई वुड रादर हैव कप ऑफ कॉफी दैन टी मतलब मैं चाय कॉफी एक कप कॉफ़ी लेना पसंद करूँ बजाय चाय के में गया नेक्स्ट एंड द लास्ट फाइव टेन नंबर टेन ही इज़ नॉट सच अ गुड सिंगर एज आई एक्सपेक्टेज सच एच का यूज़ करेंगे सच एच का यूज़ करेंगे ठीक है वह ही इज़ नॉट सच अ गुड सिंगर वो इतना अच्छा सिंगर नहीं जैसा कि मैंने उस पर एक्सपेक्ट किया था ठीक है यहाँ पे सच एच का यूज़ कैसे करेंगे मतलब कि कोई चीज़ अगर ऐसी है कि मतलब जिसका ऐसा कुछ किया जाए जैसे कंपेरिजन करना कि जैसा उम्मीद की जाए वैसा ना मिले ही इज़ नॉट सच अ गुज ठीक है ही इज़ सच अ इंटेलिजेंट बॉय एज आई एक्सपेक्टेड वो इतना अच्छा है वो इतना ही बुद्धिमान है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ठीक है तो यहाँ पर सचेज का यूज़ इस तरीके से करते हैं नेक्स्ट आई एम नॉट सच अ फूल एज़ टू बिलीव दैट अब यहाँ वो पॉजिटिव ऊपर वाला पॉजिटिव सेंटेंस है नीचे वाला आई एम नॉट सच अ फूल एज टू बिलीव दैट मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि मैं इस पर विश्वास कर लूँ मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि मैं इस पर विश्वास कर लूँ दोनों के सेंस में अंतर है देखिए सच अ फूल एज टू बिलीव दैट तो यहाँ पर देखिए ही इज़ नॉट सच अ गुड सिंगर एज आई एज आई एक्सपेक्टेड तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अ गुड सिंगर एज आई एक्सपेक्टेड यहाँ पर टू का यूज़ नहीं किया गया लेकिन जब इन्फिटी टू का यूज़ कर देंगे इस टाइप से देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस में इन्फिनिटी टू का यूज़ किया गया है तो क्या होगा आई एम नॉट सच अ फूल एज टू बिलीव दैट ठीक है एज एज के बाद अगर टू आ जाता है एज के बाद टू बिलीव आ जाता है तो इसका कहना मतलब हो जाता है कि सेंटेंस का मतलब ये निकल के आता है कि मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि उस पर विश्वास कर लूँ ठीक है इस सेंटेंस का अर्थ ये निकलेगा तो आई एम नॉट सच सच एज का यूज़ तब भी करते हैं जब एज के सच के बाद अगर कोई इन्फिटिव uh, टू का यूज़ करना हो इन्फिनीटि टू का यूज़ करना हो ठीक है तो सच एज नेक्स्ट देयर वॉज सच नॉइज दैट ही कुंडर अब देखिए सच के साथ जनरली दैट का यूज़ नहीं करते हैं आपको यहाँ पर फर्स्ट जो टेन और सेंटेंस दिए वहाँ पर दैट दिया सकता है ही इज़ नॉट सच गुड सिंगर दैट आई एक्सपेक्टेड यह इन करेक्ट हो जाएगा ठीक है इनकरेक्ट होगा अगर दैट यूज़ किया जाए तो आई एम नॉट सच अ फूल एज दैट आई बिलीव दैट एज दैट आई बिलीव दैट ठीक है ये भी क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा ठीक है सच a fool that टू बिलीव दैट ये इनकरेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर एज एज का यूज़ होगा लेकिन सच के साथ दैट का यूज़ होता है कब होगा जब हम क्या कर लें कि यहाँ पर रिजल्ट की बात हो जाए कोई चीज़ किसी चीज़ का परिणाम हो जाए कोई चीज़ किसी चीज़ का कॉज बने जैसे देखिए देर वॉज सच noise वहाँ पर इतना ज़्यादा शोर था कि दैट ही कुड नॉट हियर ऑल्स की वहाँ वो हमें हमें नहीं सुन सका इस वजह से वो हमें नहीं सुन सका मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा शोर होने की वजह से वो हमें नहीं सुन सका तो एक कंडीशन है दूसरा उसका रिजल्ट है तो जब ऐसा कैंसल्स हो तब सच दैट का सच के साथ दैट का यूज़ करेंगे हम ठीक है देर वॉज सच एंड नॉज देट ही कुड नॉट हेयर ऑल से ओके नंबर थर्टीन वेट अनटिल आई कम अब यहाँ पर अंटिल के यूज़ समझेंगे अनिल कंजेंसन का वेट अनटिल आई कम बैक तब तक तो, मत अंटिल का तब यूज़ करते हैं जब टाइम के रिस्पेक्ट में टाइप के रिस्पेक्ट में तब तक जब तक मैं नहीं आ जाता मेरा वेट करो जब तक मैं नहीं आ जाता मेरा वेट करो ये सेंटेंस है देखिए यू विल नॉट शक्सीस नेक्स्ट है अनलेस अनलेस का यूज़ तब तो करेंगे जब कंडीशन हो ठीक है यू विल नॉट शक्सीस अनलेस यू वर्क कार्ड तुम तब तक सफल नहीं होगे जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते अब देखिए यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ वेट अंटिलई कम बैक इसमें मैंने बोला हिंदी में क्या ट्रांसलेट किया मैंने बोला वेट अंटिलईक कम बैक जब तक तो मैं नहीं आ जाता तब तक तो मेरा इंतजार करो लेकिन इसमें नहीं हमने बोला लेकिन नहीं यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन नहीं किया गया तो याद रखिएगा अनटिल और अनलेस के बाद नॉट का यूज़ नहीं होता वो ऑलरेडी निगेटिव होते हैं तो निगेटिव का निगेटिव वर्ड्स यूज़ उसमें नहीं किया जाते किसके साथ अंटिल और अनलेस के साथ जो क्लॉज यूज़ होेंगे ठीक है उन क्लॉजेस के साथ ठीक है हम क्या करेंगे उनके से उनमें नॉट का या नेवर का यूज़ नहीं करेंगे याद रखिएगा वेन अंटिल आई कम बैक तो ये नहीं बोलेंगे वेन अंटिल आई आई एम नॉट कम बैक आई डोंट डू नॉट कम बैक वेट अनटिल आई डू नॉट कम बैक ये गलत हो जाएगा आप क्या आप लिखेंगे वेट अनटिल आई कम बैक आपको गलत करके दिया जाएगा सेंटेंस में बोला जाएगा बताइए एरर क्या है तो आप लिखन दिया, दिया होगा वेट अनटिल आई डू नॉट कम बैक ठीक है इसमें तब आप डू नॉट को हटा देंगे और लिखेंगे वेट अनटिल आई कम बैक ओके नेक्स्ट फोर्टीन यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड यहाँ पे भी क्या चलेगा अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड यू डू नॉट वर्क हार्ड अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड लिखा होगा वो कर इनकरेक्ट होता है आप क्या करेंगे यू विल नॉट सक्सीड आप सक्सीड नहीं होंगे अनलेस यू वर्क हार्ड आप जब तक आप कठिन परेशान नहीं करते ओके तो ये कुछ कन्जेक्शन थे और उनके यूजेस थे ओके सो आई होप आपको ये कंटेंट सारी जो भी कन्जेक्शन हमने डिस्कस किए वो समझ में आए होंगे और उनके यूजेस भी आपको क्लियर हुए होंगे सो विथ दिस विन टुडे सेशन थैंक यू बाय बाय टेक केयर